हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू द एवरीवन। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी विच इज आल्सो नोन एज द DDIT नडियाद। अब जैसे कि पता ही कि मैं आपको एक कॉलेज की पूरी रिव्यू की प्लेसमेंट लेके आ रहा हूँ कि जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छी अच्छी टॉप 10 कॉलेजेस कवर किए, जैसे कि DAICIT, NIRMA, PDPU एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी नडियाद। कौन कौन से पॉइंट्स कवर होंगे, तो जैसे कि मेरे हर एक वीडियो में ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं कि सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम इसका कट ऑफ देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द प्लेसमेंट, देन द रिव्यूज ऑफ द DDU नडियाद, एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू डायरेक्टली टेल यू वेदर यू शुड जंप फॉर दिस कॉलेज और नॉट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, DDU वर्सेस MASAU वर्सेस LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विच टू चूज। तो मेरा यहाँ पे प्रायोरिटी ये रहेगा कि यू कैन फर्स्ट सिलेक्ट LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इफ यू आर नॉट गेटिंग कंप्यूटर इन द धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय सजेशन। आई रिपीट वंस अगेन, यू शुड कंसिडर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इफ यू आर नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन द कंप्यूटर ब्रांच ऑफ द धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट एंड विच इज द ओवरव्यू। तो देखिए यहाँ पे DDU के ओवरव्यू में यहाँ पे मैं आपको दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज यहाँ पे ये रहेगी कि DDU में दो तरह के कोर्स ऑफर होते हैं। पहला है ग्रांटेड, कि जिसके लिए आपको सिर्फ 1500 ही फीस पे करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। बट इफ वी टॉक अबाउट द सेल्फ फाइनेंस, देन यू हैव टू पे द फीस विच इज समथिंग लाइक 1,52,000 पर एनम। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रांटेड। तो ये आती है नडियाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात के अंदर, ठीक है। केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, EC इंजीनियरिंग, IC इंजीनियरिंग, ये कुल 5 ब्रांच मिला के गवर्नमेंट की 250 सीट्स आपके पास अवेलेबल है एडमिशन लेने के लिए। बट अगर हम EWS कोटा की सीट्स यहाँ पे ऐड कर ले तो ये हो जाती है 311 टोटल नंबर ऑफ सीट्स विद द फैसिलिटी ऑफ गर्ल्स हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेस। इफ वी टॉक अबाउट द फीस, देन आई ऑलरेडी डिस्कस के 1500 रुपीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पे कुछ भी फीस नहीं है। और ये मैंने बात की यहाँ पे किसकी, यहाँ पे मैंने बात की है यहाँ पे बॉयज हॉस्टल की, मतलब ग्रांटेड की, गवर्नमेंट की यहाँ पे बात नहीं की है। और अगर हम यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आ जाए तो आप देख सकते हो कि राइट नाउ वी आर एट द सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी सेल्फ फाइनेंस DDU। इसके अंदर आपको केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, EC इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, IC इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये कुछ 6 ब्रांच मिला के 411 सीट्स अवेलेबल है, कि जिसके अंदर 177 पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, बाकी की बची सीट्स के ऊपर यहाँ पे ACPC के थ्रू एडमिशन होता है। फैकल्टीज में आपको यहाँ पे मिल जाती है गर्ल्स हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन और मैथ्स की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और फीस की बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए यहाँ पे फीस पे करनी होगी 1,52,000 पर ईयर। ओके ओके, सो नाउ लेट्स कवर द पॉइंट नंबर 3 एंड विच इज द कट ऑफ फॉर द फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रांटेड धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी। जिसके अंदर हम सबसे पहले ग्रांटेड का कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सबसे ऊपर यानी कि टॉप 5 कॉलेज ऐसी रहती है कंप्यूटर की, कि जिसके अंदर कंप्यूटर में सबसे ऊपर कट ऑफ क्लोज होता है, तो यहाँ पे DDU भी इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे 339 पे कट ऑफ क्लोज हो जाता है कंप्यूटर का ओपन कैटेगरी के लिए। अगर ACPC की बात करें तो यहाँ पे 978 पे कट ऑफ क्लोज होता है DDU में, ग्रांटेड कॉलेज में कंप्यूटर के लिए। और TFWS की बात करें तो 181 पे यहाँ पे TFWS पे कट ऑफ क्लोज होता है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी का। इसके बाद EC इंजीनियरिंग, IC इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, और अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने ग्रांटेड पे ऊपर डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं अब किसके ऊपर, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सेल्फ फाइनेंस, धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी कट ऑफ क्लोज इज 594, यानी कि ऊपर पहले क्लोज होता है किसका, गवर्नमेंट का, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का भी क्लोज होता है। ACPC का यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ऊपर जाता है, विच इज समथिंग अराउंड 1900, एंड TFWS इन द सेल्फ फाइनेंस विच इज एट द 384, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया। अगर बाकी कट ऑफ जानने हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज द रिव्यूज, प्लेसमेंट, और क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, इस वक्त हम धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसका होम पेज है, और इसके ऊपर यहाँ पे डॉक्टर HM देसाई वाइस चांसलर अवॉर्डेड विद पद्मश्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसका फोटो है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 35 से ज़्यादा यहाँ पे कोर्स है,
प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, 50 से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 50 साल से भी ज़्यादा, और रिसर्च प्रोजेक्ट है 50 से भी ज़्यादा लास्ट 5 में, और 42 एकड़ में यहाँ पे कैंपस फैला है, तो कैंपस की साइज़ भी बहुत बड़ी है। ठीक है, नीचे यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो, यूनिवर्सिटी की एक शॉर्ट फिल्म है वो भी देख सकते हो, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बट हमें तो किस पे जाना है, हमें सिर्फ यहाँ पे प्लेसमेंट के ऊपर ही जाना है। वेयर इज द प्लेसमेंट, ओके, टेक्नोलॉजी, इसके अंदर प्लेसमेंट एंड करियर्स। या पता नहीं ये प्लेसमेंट का ऑप्शन इतना क्यों छुपा के रखते हैं, ढूंढने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। ओके, और हाँ यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे प्लेसमेंट का सिर्फ इतना ही डेटा अवेलेबल है। मैं ट्राई करूँगा इससे ज़्यादा डेटा कहीं से ढूंढने का, बट मैंने पिछले साल भी इतना ही डेटा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया था। ओके, मेजर रिक्रूटर्स आर गूगल, अमेजोन, बाइजूस, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, क्रेस्ट डेटा सिस्टम, ज़ियूस लर्निंग, कोग्निजेंट, एक्सेंचर, साइबेज, इंफ्रास्ट्रक, एचएचएक्सचेंज, सिमफोम, श्रीवो, ट्रैक महिंद्रा, सिपमैन, गोल्डमैन सैच, हिताची, बाइजूस, अतुल, एमजी मोटर्स, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग, अदानी पोर्ट्स, जीएफएससी, जीएनएफसी, जीएचसीएल, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर द 2022 बैच स्टूडेंट प्लेसमेंट ड्राइव अरेज नियरली 100 कंपनीज एंड अराउंड 563 स्टूडेंट्स गॉट जॉब प्लेसमेंट ऑफर। हाईएस्ट पैकेज वॉज ऑफर ₹25 लाख पर एनम बाय अमेजोन, तो ये भी एक अच्छी बात है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट का सिर्फ इतना ही डेटा है, तो दिस इज आई क्वाइट डिसअपॉइंटेड, आई वॉन्ट समथिंग मोर कि यहाँ पे कुछ अच्छा क्लियर ट्रांसपेरेंट देता हो कि किस स्टूडेंट्स को कितना मिला था, कौन सी कंपनी ने कितना ऑफर किया था, तो दैट वुड बी मोर बेटर। बट नाउ द डेटा इज नॉट हियर, दैट व्हाट एल्स वी कैन डू वन थिंग कि आप लिंक्डइन पे कोई भी डीडीयू का स्टूडेंट्स है उसको यहाँ पे पूछ सकते हो डायरेक्टली कनेक्शन करके, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप दूसरा ऑप्शन है कि जब भी आप यहाँ पे कैंपस विजिट करने जाओ तब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कुछ यहाँ पे रियलिटी है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। सिंपल आंसर यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे बेनिफिट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। अगर आपका घर खेड़ा आणंद नड़िया के अंदर ही है तो फिर आप डेफिनेटली इसके गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट एस लेवल पे ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आई कुडंट फाइंड इट्स वर्थ, बिकॉज वेन यू आर पेइंग 1,52,000 पर ईयर एंड आफ्टर देन यू आर गेटिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 5 to 6 LPA, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप यहाँ पे कोई दूसरी प्राइवेट कॉलेज के साथ जा सकते हो, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज माई सजेशन वेदर यू शुड गो विद दिस कॉलेज और नॉट फॉर द एडमिशन। ओके, इसके अलावा यहाँ पे और तो कुछ डेटा है नहीं, मोस्टली तो जितना भी डेटा था मैंने कवर कर लिया है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू, बाय बाय।